हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट थ्री डिस्कस करेंगे और इसमें भी हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। एनटीए नेट पेपर वन के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, जहाँ पर आपको सभी टॉपिक का फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा पेपर वन के, ठीक है ना। और क्योंकि एग्ज़ाम्स करीब आ चुके हैं और कुछ ही दिन हमारे पास बचे हुए हैं, तो ये जो है एक प्रकार का रिविजन वीडियो है, ठीक है ना। तो इसे आप पेपर में जाने से पहले ज़रूर देख के जाएं। और जो है ये जो वीडियो में जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है, वो पहले के जो क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी इजी इजी क्वेश्चंस होंगे, और जैसे ही आप वीडियो के लास्ट तक पहुंचेंगे वहाँ पर टफ़ टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखें, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा टफ़ किया जाए। तो मैं उनको बता दूँ कि वीडियो को पूरा देखें आप, तो आपको टफ़ टाइप के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुधैर्य अभिकल्प नहीं है। अनुधैर्य अभिकल्प नहीं है। जब मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड का वीडियो बताया था, बनाया था, जिसमें मैंने आपको टॉपिक को पूरी अच्छी तरह से बताया था, इसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर जानते होंगे। तो मैं बता दूँ, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्रॉस सेक्शनल, सॉक्स क्रॉस सेक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शोधकर्ता आश्रित चरों के साथ शुरुआत करता है और फिर पीछे की ओर कदम बढ़ाता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है, भावी सूचक अनुसंधान, पूर्व व्यापी अनुसंधान, खोजपूर्ण अनुसंधान या फिर वर्णनात्मक अनुसंधान, आपको बताना है। तो 68वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पूर्व व्यापी अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांचकर्ताओं के द्वारा प्रभाव का पता लगाने के लिए लगाने के प्रयास को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। जांचकर्ताओं के द्वारा प्रभाव का पता लगाने के प्रयास को क्या कहा जाता है, सर्वेक्षण अनुसंधान, पूर्व व्यापी कार्य उत्तर अनुसंधान या फिर ऐतिहासिक अनुसंधान या फिर योगात्मक अनुसंधान। चार ऑप्शन है आपके सामने, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि प्रयोगात्मक विधि का सार है, प्रयोगात्मक विधि का सार क्या होगा। सहसंबंध गुणों के संबंध में कॉल पियर्सन का सही गणन करना या फिर विषयों से उसके व्यक्तिपरक अनुभव के बारे में प्रत्यक्ष रिपोर्ट प्राप्त करना या फिर सावधानी पूर्वक परिमाण लेना और रिकॉर्ड रखना या फिर कारण और प्रभाव संबंध की पहचान करने के लिए नियंत्रण का उपयोग करना। तो 17वें का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, कारण और प्रभाव संबंध की पहचान करने के लिए नियंत्रण का उपयोग करना। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसे, उसके लिए आप हमारी वीडियो देखें ताकि आप लोग इसे और अच्छी तरह से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान प्रतिमान वास्तविकता के व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है। चार दे रखे हैं यहाँ पर, मात्रात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, मिश्रित अनुसंधान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है ना, मिश्रित अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान प्रतिमान अपने निष्कर्षों के सामान्यकरण के बारे में ज़्यादा चिंताशील नहीं है, ठीक है ना। 72वें का आंसर है बी, गुणात्मक अनुसंधान, ठीक है ना, गुणात्मक अनुसंधान जो है उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक अनुसंधान का सबसे अच्छा वर्णन है। चार ऑप्शन है, गैर संख्यात्मक तथ्यों का संग्रह करना, शोधकर्ताओं द्वारा निरूपित उपकल्पनाओं की पुष्टि करने का प्रयास करना या खोजपूर्ण अनुसंधान करना या अनुसंधान जो कि नए सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास करता है। तो 73वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अनुसंधान जो कि नए सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रायोगिक अनुसंधान के संदर्भ में सामान्य लक्षण है, ठीक है ना। तो 74वें का ऑप्शन
जो है वो डी होगा। ये सारे के सारे जो हैं वो लक्षण होते हैं कि संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह पर निर्भर करता है ये, और कारण प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान को उत्पन्न करता है, निगमात्मक वैज्ञानिक विधि का उपयोग करता है, ठीक है ना। तो डी जो होगा वो आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान कारण और प्रभाव के संबंध के अस्तित्व के बारे में सबसे मजबूत सबूत प्रदान करने के लिए उपयुक्त है। तो 75वें का जो सही आंसर है हमारा वह ऑप्शन बी, प्रयोगात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान में शोधकर्ता एक स्थिति के लिए गुणात्मक प्रतिमान और दूसरी स्थिति के लिए मात्रात्मक प्रतिमान का उपयोग करता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है 76वें का जो है आंसर क्या होगा। तो 76वें का जो आंसर होगा वो होगा डी, मिश्रित विधि अनुसंधान, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान अतीत के रूप में किसी घटना को समझने के लिए किया जाता है। तो 77वें का आंसर बी जो है वो सही होगा, ऐतिहासिक अनुसंधान, अतीत की घटनाओं को समझने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की शोध स्थानीय समस्याओं के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो 78वें का जो सही आंसर होगा वो होगा क्रियात्मक अनुसंधान, मूलात्मक अनुसंधान नहीं होगा, भावी अनुसंधान भी नहीं होगा, और अनुधैर्य अनुसंधान भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार वाक्य के समूह से निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का तर्क कहा जा सकता है, ठीक है। 79वां क्वेश्चन है, बुद्धिवाद, निगमात्मक, आगमनात्मक या फिर संभाव्य, ठीक है ना। तो 79 या 79वें का जो आंसर होगा वो होगा सी, आगमनात्मक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान विभिन्न लोगों के लिए एक ही चर का उपयोग करके निष्कर्ष की जांच करता है, ठीक है ना। ऑप्शन दे रखा है, अन्वेषण, परिकल्पना या पुनरावृत्ति या अनुभववाद। तो 80 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, पुनरावृत्ति, ठीक है ना, पुनरावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर से नीचे या प्रमाणित दृष्टिकोण विधि है। तो बताना है आपको इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है, निगमात्मक विधि, आगमनात्मक विधि, परिकल्पना विधि या फिर प्रतिरूप विधि। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, ठीक है ना, निगमनात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अनुसंधान में नीचे से ऊपर और उत्पादन दृष्टिकोण की वैज्ञानिक विधि है, ठीक है ना। तो 82 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आगमनात्मक विधि, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रांकन निष्कर्ष, ठीक है, ड्राइंग कंक्लूजन जिसे कहते हैं हम लोग, कि कौन सी विधि जनसंख्या के प्रत्येक उदाहरण के अवलोकन पर आधारित होती है, ठीक है ना। आपको बताना है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, वैज्ञानिक विधि, निगमात्मक विधि, आगमनात्मक विधि या फिर द्वंद्वात्मक विधि। तो 83 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, निगमात्मक विधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे सिद्धांत या स्पष्टीकरण की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। तो आपको बताना है, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो 84वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है ना, मितव्ययी और परीक्षण योग्यता या विभिन्न स्थितियों में लागू करने के लिए पर्याप्त है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि इन चरणों का अनुसरण करती है, ठीक है ना, अवलोकन, प्रदत्त, प्रतिरूप या फिर सिद्धांत। तीन दे रखे हैं, अवलोकन, प्रतिरूप और सिद्धांत। कौन सी ऐसी विधि है इनमें से जिसमें ये तीनों प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो है आगमनात्मक विधि, ठीक है ना, आगमनात्मक विधि में ये तीनों ही चरण जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुष्टि दृष्टिकोण की वैज्ञानिक विधि है, ठीक है ना, वैज्ञानिक विधि आपको बताना है। तो 86वें क्वेश्चन का
जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, निगमात्मक विधि, ठीक है ना, पुष्टि दृष्टिकोण की वैज्ञानिक विधि है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के परिपेक्ष में संबंधित किया जा सकता है, ठीक है ना। 87वां क्वेश्चन है, 87वां क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, अनुभवजन्य अनुसंधान, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि परीक्षण परिकल्पना पर केंद्रित सिद्धांतों से विकसित होती है। तो 88वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, निगमनात्मक विधि, ठीक है ना, निगमनात्मक विधि में जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति नई परिकल्पना और सिद्धांतों को उत्पन्न करने पर केंद्रित होती है, ठीक है ना। 89 क्वेश्चन जो है उसका सही जो आंसर होगा वो होगा बी, आगमनात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोधकर्ता के लिए कारण संबंध में कौन सी अनुसंधान विधि सबसे उपयुक्त है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्रयोगात्मक विधि, व्यक्तिगत अध्ययन, सह संबंधात्मक अध्ययन या फिर प्राकृतिक अवलोकन। तो 90 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्र प्रयोग को किस संदर्भ में लिया जाता है, वास्तविक संसार, प्रयोगशाला, वास्तविक संसार और प्रयोगशाला दोनों में या फिर प्राकृतिक पर्यावरण में। तो 91वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए दे रखा है, वास्तविक संचार संसार में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं को अनिवार्य रूप से किस में शामिल किया जाता है, किस में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। 92वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी, नियंत्रित अवलोकन में, ठीक है ना, नियंत्रित अवलोकन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सहसंबंधी अध्ययन क्या निर्धारित करता है, एक सहसंबंधी अध्ययन क्या निर्धारित करता है। 93वां क्वेश्चन है ये, ऑप्शन डी जो है दो घटनाओं के बीच के संबंध को निर्धारित करता है, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 94वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको गुणात्मक अनुसंधान का विशेष गुण माना गया है, निगमनात्मक होना, आगमनात्मक होना, निगमात्मक या प्रेरक होना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 94वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, निगमनात्मक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान सिद्धांत के परीक्षण से संबंधित है, ठीक है ना। तो 96वें क्वेश्चन है, 96वें क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी निगमनात्मक निगमनात्मक अनुसंधान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैर सरकारी संस्था ग्राम पंचायत में बच्चों के अभियान के प्रभावों को देखने के लिए अध्ययन का आयोजन करती है, यह एक उदाहरण है किसका, वर्णनात्मक अध्ययन का, क्षेत्र प्रयोग का, घटनात्मक अनुसंधान का या फिर ऐतिहासिक अनुसंधान का। तो उसका जो सही आंसर होगा क्षेत्र प्रयोग का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन का वर्गीकरण किस खोजपूर्ण वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक और भावी सूचक अनुसंधान पर आधारित होता है, ठीक है ना। तो 98वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनुसंधान के विषय पर। 99वें क्वेश्चन है, एक दीर्घकालिक अनुसंधान अध्ययन को क्या कहते हैं, क्रॉस अनुभागीय अनुसंधान, अनुदैर्ध्य अनुसंधान, अनुसंधान विधि या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 99वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य और क्रॉस अनुभागीय अनुसंधान के बीच मुख्य अंतर क्या है, आंकड़ों के संग्रह की आवृत्ति, प्राथमिक बनाम माध्यमिक, शोधकर्ता की योग्यता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 100वें क्वेश्चन का आंसर आपने गैस कर लिया होगा, तो इसका आंसर है ए, आंकड़ों के संग्रह की आवृत्ति। सो ये तो था हमारा वीडियो रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 3, आगे भी हम वीडियो लेके आते रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाएं, NTA NET पेपर 1 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, जहाँ पर आपको लगभग सभी टॉपिक के जो है वीडियो एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।